हेलो एवरीवन, वेलकम। आप सब कई बार फिर तक अपने नए व्लॉग में कैसे हैं आप? उम्मीद करो आप सब ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। दिन है सैटरडे का, टाइम है मॉर्निंग का, यानी कि बालक है वो स्कूल में नहीं गया। ऐसी बालका ने स्कूल में जानती पहली एक फरमाइश कर दी कि मॉम आज कुछ टिफिन में कुछ अलग सा होना चाहिए, यानी कि लंच में अलग सा होना चाहिए। एक की फरमाइश थी कि पराठा बना दो, जो कि अनिता है वो रोटियाँ का लाग रही थी, तो एक ने फरमाइश करी थी पराठा की, एक ने पोहा की करी थी। तो मुझको चलो फरमाइश पराठा वाली तो पूरी कौन कर पाऊँगी मैं, क्योंकि डेली पराठा भी वो कोनी जरूरी है। और इनका ऐसा हो जाए संडे वाले दिन तो पराठा सैंस है, बाकी वरा मैं ये वाला पोहा है वो यूज करने लाग रही हूँ। तो मैंने कहा चलो आज पराठा की तो कौन कर सकूँ, लेकिन पोहा मैं बनाए देऊंगी। आधा घंटा है बस आन में, स्कूल टाइम में आधा घंटा है, जाती मैं जल्दी जल्दी ला गई थी, झटपट अपना तैयार करने लाग रही थी। मूँगफली है वो अलग जो कढ़ाई से उसमें बूंद ली थी, और स्टील वाली कढ़ाई में मैं इनका जल्दी से बना देऊंगी, क्योंकि वो छोटी वाली कढ़ाई से और ये बड़ी कढ़ाई से। बाकी मेरा बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा इग्नोर करना, अभी वॉइस ओवर कर रही हूँ तो बाहर बच्चे खेल रहे हैं, उसकी आवाज़ आ रही है। मैंने उनको बोल भी दिया था बेटा थोड़ा धीरे धीरे आवाज़ कर लो, पर बच्चे हैं थोड़ा मानना को नहीं, तो केक रह जाए इसने, थोड़ा आप इग्नोर करियो। और मैं अपनी प्याज है वो भूंद ली थी, बाकी प्याज टमाटर जल्दी जल्दी में मैंने काट पीट कर दिया था तैयार। मखा आज थारा टिफिन है, मैं लंच पैक करके देऊंगी, वो भी पोहा का। जान तो कह रहा था मोम आज पोहा नहीं पराठा बना दे, मखा ना बेटा पराठा तो डेली को नहीं। फिर मम्मी भी मना कर दी थी, मम्मी ना पराठा भी इतना ना खाया करें हैं, बालका ना अच्छा को नहीं रहे, पता ना कि गिरानी सी बैठ जावे हैं। हाँ वैसे भी ऑयली चीज़ तो खानी भी इतनी कौन चाहिए, तो बस अपने पोहा की तैयारी कर ली है मैंने। ये वाला पोहा मैंने पहले ही जो मसाला हुआ है वो मिक्स कर रख लिया था, मखा कढ़ाई होना के बाद कढ़ाई इतनी छोटी रह जाएगी, क्योंकि इसमें फिर ऊपर नीचे फिर को नहीं होएगा, तो मखो फिर दोबारा तेरे डाल दूँगी। तो दोबारा मैंने डाला, उसमें भी यूं ही था कि मसाला मिक्स कर दिया था, और मिक्स करना के बाद फिर जो भी वेजिटेबल है ये तो मिक्स आराम से हो ही जाएंगी। बाकी मूँगफली है, मूँगफली भी मैंने डाल दी थी, कि बालका की एक फरमाइश और भी थी, मोम थोड़ा सा फालतू डालना मूँगफली। मखा ठीक है बेटा आज थारी फरमाइश का पूरा होएगा, फालतू डाल दूँगी, बस मन अपना जो काम है वो कर लेने दो, क्योंकि फिर मन खतरा रहा है ना इनकी बस निकल जाएगी, और फिर एक खतरा यू भी हो जाए कि बालका ने जो फरमाइश करी थी वह तो क्या है कौन नहीं। तो बस वो मैं इनका हाथों हाथ टिफिन है वो भी तैयार करने लाग रही हूँ। लंच बॉक्स में डाल दिया था मैंने दही डाल दिया था, वरा पोहा बड़का तैयार हो गया इसी। पहले आप बालकन देखो कि साके पोहा बताया है बड़ की बात रहा है तो बता दो क्या पोहे खाए। थैंक यू। हाँ भाई कैसे बने हैं बता। अच्छे। और कोई दोस्त अब तेरी मम के लिए बोलना चाहेगा है? मम्मी जी बहुत अच्छे पोहे बनाती हैं। अच्छा भाई ये 300 हैं, दो नहीं है। आप भाई कैसे लगे? अच्छा अच्छे हैं या बहुत अच्छे? बहुत। बालका की बात तो आपने सुनी ली होगी, बाकी मखा स्कूल में जाना थी पहले, खा के भी जाएंगा तो मखा खा लूँ। उसके बाद मैंने इनका टिफिन है वो पैक करने लगे थी, तो टिफिन के बारे में मैंने आपती बताए रखे है, चारवा का एक में डाला करूँ हूँ, क्योंकि भी थोड़ा हापर क्लासेज में हो गया जाती, अगर प्राइमरी सेशन में होता तो फिर यूँ हो जाए इनका, एक बार मिड लंच एक बार हुआ करा है बीच में उसकी, फिर ज्ञान का खतरा अलग डालना पड़ा कर, तारीफ की बारी थोड़ा अपर क्लास में हो गया तो इसका भी नहीं अलग डालना, अलग टिफिन कौन डालू, एक में काम चल जाए। बाकी लस्सी की बोतल डाल दी है दही, और एक टिफिन में थोड़ा अलग डालूंगी, क्योंकि इसमें चार ही बॉक्स हैं, तो तीनों में तो वे डल गया, एक में पोहा डल गया, तो ये इंसू का है वो अलग डाल दिया। अचार बेचने तव आ गया था, रीफ की बार स्पेशल तव टीट का अचार लेकर आ रहा था, वैसे तव कई बार आ लिया है वो गाँव में भी, तो बस अपनी घोड़ी साथ घोड़ी का बच्चा वो साथ लेकर आ रहा था, हम पूछने लगा तव का एक दिन का हो गया बच्चा, तो तव बोला बेटा चार दिन का, मखा फिर भी गल गल लेकर घूमने लग रहे हो, तो बोला केक रह जाए बेटा मजदूरी तो अपनी करनी पड़ेगी, और इसकी भी मजबूरी इसने भी लेकर साथ घूमना पड़ेगा, मखाया तो सही तब घूमना तो पड़ेगा लेकर, तो इस एक लेसन अपना यो भी मिला है। तो माँ चाहे कोई भी हो अपना बालका ने दूर कर राजी को नहीं, लेकिन आज का टाइम में ऐसा टाइम आ गया है कि ज़्यादा तो नहीं कह सको, लेकिन 50% लोग से जो अपनी माँ अपने पास रख कर भी राजी को नहीं। शाम का रूटीन घूमना रहा था, और उस पॉइंट पर एक बार क्लिप जरूर बनाओ एक मिनट की छोटी सी क्लिप भी जरूर होनी से, तो बस हमने अपनी क्लिप बना ली है।
सनसेट हाँ सनसेट ही बोल हाँ हाँ उन कैमरा झूठ तो बस मम्मी जा रही हाग अपनी भाई लिया गया ना बुढ़ो बुढ़ा मैं राजी बालक बालक कम राजी तो मम्मी है अपनी भाई लिया गया लागे जाली और ही बम चाहन लग रहा हाँ और कुछ कहना चाहो हो बच्चों क्या कहे बच्ची नहीं रहा बच्ची नहीं रहा ज्ञान के पास कुछ नहीं बच रहा अरे कुछ तो बच रहा होगा नहीं कुछ तो दिमाग में कुछ बड़ी नहीं था चलो तो चलना ही घर पहले मम्मी और दिखाऊं अपने अपने भाई लिया गए।